ओके आज जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब ये सुन लो, ये चैप्टर सबसे ह्यूज चैप्टर है अभी, बट तुम्हारी बुक में शायद मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 पन्नों में खत्म है, ज्यादा 5-6 होंगे। कितने हैं ये? नो बहुत, मतलब इतना वास्ट नहीं है, बट इतना वास्ट नहीं है जितना एक्चुअल क्लास 12th में ये चैप्टर थी। क्लास 12th में ये कम से कम 7 से 8 चैप्टर में कवर होता है, वो भी एक ही चीज, दूसरी चीज मैग्नेटिज्म नहीं। मैग्नेटिज्म भी 7-8, मतलब टोटल मिला के 12 चैप्टर पूरा लेता है टोटल दोनों चीजें। अब समझो, क्लास 8 में तुम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सुना है? क्या होता है? सुना तो है बट पता नहीं सर क्या होता है, कुछ तो पढ़ा है, सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। देखो चार्ज के 3 नेचर होते हैं, चार्ज के 3 नेचर। हम अरमान हो गई बात, अब इधर कर सुन ले, हो गया पक्का पढ़ ले। चलो अगर मैं कहूं चार्ज जब स्टैटिक होता है, ठीक है, चार्ज ये चार्ज बना रहा हूं, ठीक है, ये मूव कर रहा है और आप ऑन चार्ज हो, और चार्ज मूव कर रहा है बट आप स्पेस में हो, मतलब उसके बाहर हो, चार्ज पे नहीं हो, तो ये 3 चीजें होती हैं जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं। चार्ज जब स्टैटिक है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अब समझाता हूं, चार्ज होता है क्या सबसे पहले वो समझते हैं। तो हर एक किसी को, अगर मैंने बोला था क्लास 10 की वीडियो नहीं देखी तो देखो, इट्स रियली गिव यू हेल्प, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हेल्प नहीं चाहिए तो फिर तो बैठे हो। इसे क्या कहते हैं, अगर ये एटम है तो सेंटर में न्यूक्लियस, क्या किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वेरी गुड। बाहर ये ऑर्बिट होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। आगे चल के जानोगे ये थ्योरी गलत है, जब जानोगे अभी छोड़ दो, अभी सोचो सही है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सो हु इज द वन हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग चार्ज? इलेक्ट्रॉन, बिकॉज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स कंबाइंड है, गॉट इट? वो कन्फाइंड है, वो कंबाइंड है, वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है, वो नहीं निकल सकते, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लो, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर? प्रोटॉन फिर रिपेल भी नहीं कर रहा दूसरे प्रोटॉन को, न्यूक्लियस में क्यों? चलो इसका आंसर ढूंढ के लाना। बट काफी क्लोज आ गया दोनों इस आंसर को बोल के। ओके सो इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल कि इलेक्ट्रॉन जा रहे नहीं आ रहे। अब सुनो ध्यान से, जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन है, और ये होते हैं एटॉमिक नंबर पे डिपेंड। किस पे होते हैं भैया? तो एटॉमिक नंबर मान लो 10 है, तो उतने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इमेजिन करो आपके ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं मान लो पासिंग मार्क्स से 10, आपने टेस्ट दिया 20 का, पासिंग मार्क्स 10 है, आपके आए 10 मार्क्स, तो आप पास हो गए? मेरा मूड बन गया, मैंने कहा पासिंग मार्क्स 7 से 15, तुम फेल हो गए नहीं हो गए? और मैंने कह दिया पासिंग मार्क्स 10 मार्क्स का टेस्ट, तुम्हारे 10 ही आए, तो फुल आउट ऑफ फुल आ गए। मतलब मैंने तुम्हारे मार्क्स को नहीं चेंज करा, मैं पासिंग मार्क्स की जो वैरायटी है उसे चेंज करने में लगा पड़ा हूँ, ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट है वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं एक ही चीज चेंज कर रहा हूँ। तो अब सुनो, ये प्रोटॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन नहीं हिला सकते आप में से कोई भी, कौन मूव करा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। एक मटेरियल ने बोला भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन लूंगा, ले ले भाई, तो इलेक्ट्रॉन नेट बढ़ गए, प्रोटॉन उतने ही है, तो ओवरऑल एटम कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। भाई यहां तक कहानी क्या थी? जितना प्लस उतना माइनस, ये कहानी थी। तो अगर 10 प्लस थे तो 10 माइनस थे, इलेक्ट्रिकली क्या था बॉडी? न्यूट्रल, यानी जीरो न्यूट्रल। बट जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो शायद ये माइनस 11 हो गए, और ये तो प्लस 10 ही है, तो माइनस 11 प्लस 10 क्या होता है? -1। तो बॉडी कैसे हो गई? इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब क्या हो गया? -2। तो ऐसे बॉडी चार्ज होती है और अनचार्ज होती है। अभी तो सबसे पहले चार्ज बोले नेगेटिव, ठीक है। अब कोई बॉडी ऐसी भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन छोड़ दे,
भाई जरूर एक एक सारे मैटर को इलेक्ट्रॉन ले भाई, कुछ का मन कर रहा है इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, ऐसे कौन से होते मेटल्स, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन, तो अब उस पे क्या हो गया पॉजिटिव ज्यादा, प्रोटॉन लिया उसने कहीं से, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। सो हमने एक थ्योरी बनाई कि भाई इलेक्ट्रॉन लोगे तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर दोगे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, समझ में आया, इसे बोलते हैं चार्ज, सिंपल। अब कई बच्चे और कई स्टूडेंट्स और टीचर्स भी इस चीज को बोलते हैं, जो थोड़ी बहुत चीजें मैं एग्री नहीं करता, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, एक्चुअल चार्ज की बात कर रहा हूं, सब एटॉमिक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कौन क्रिएट करता है, गलत, पॉजिटिव एटम, प्रोटॉन नहीं क्रिएट करता, कौन सा लगा एक एटम है, ठीक है अभी कहानी मान दे एटम है, ठीक, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन पॉजिटिव हुआ, वो तो पहले से था पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव हुआ पूरा एटम, समझे या नहीं समझे। सो दो तरीके के चार्ज हैं एग्जिस्टेंस में, एक तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है बट वो न्यूक्लियस के अंदर है, एटम के अंदर है, जिसकी वजह से ये पूरा एटम पॉजिटिव कहला रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आधे लोग खा जाते हैं, प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहां निकल के हांड रहा है, घूम रहा है क्या वो, है कंपनी बात है जो टहल रहा हूं, नहीं भाई। तो ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज एटम है भाई, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम भी तो कुछ चार्ज हुआ होगा भाई, हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आगे सर एटम नेगेटिव हो गया, बिल्कुल सही, उसको एग्री करने को रेडी है, बट एटम को पॉजिटिव बनाने के लिए रेडी नहीं है, क्यों नहीं बना रहे भाई एटम को पॉजिटिव, भाई इलेक्ट्रॉन निकला तो एटम पॉजिटिव नहीं हुआ, हुआ तो दिस इज होल पॉजिटिव, प्रोटॉन तो है बट यहां अब क्यों बोलते हैं प्रोटॉन और क्यों प्रोटॉन को हम कंसीडर भी करते हैं वो बताता हूं। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है कोई मुझे बताएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये चार्ज होता है, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बॉडी न्यूट्रल है, क्या है बॉडी, कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं गए इसके पास से, अब इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब इस इलेक्ट्रॉन में इतना ही चार्ज था नेगेटिव में, तो बॉडी में कितना चार्ज आया, इतना ही चार्ज पॉजिटिव में, समझ में आया नहीं है, बॉडी में कितना चार्ज आया, सेम चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ही चार्ज आया पॉजिटिव, और ये चार्ज किसका होता है प्रोटॉन, ये किसका चार्ज होता है प्रोटॉन का, तो हम क्या बोलते हैं अरे प्रोटॉन है, ना 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 ना, गलत सही नहीं, क्या है ये एटम, ये प्रोटॉन नहीं है भाई, हाँ चार्ज भले प्रोटॉन के जरूर बराबर है बट ये प्रोटॉन नहीं है। सर क्या फर्क पड़ता है प्रोटॉन ले लो एटम ले लो, अरे भाई बहुत फर्क पड़ता है, एक एटम में शायद 10 से 12 प्रोटॉन है, उतने ही न्यूट्रॉन है और 8-9 इलेक्ट्रॉन भी है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन मान लो 10 एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास भी 10 मान लो, तो मतलब एटॉमिक मास सॉरी डबल होता है 20 मान लो, ठीक है, तो 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन एक निकल गया। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका टोटल वेट कितना है, इसका टोटल वेट है नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों का मिक्स, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला और हम कंसीडर क्या कर रहे हैं प्रोटॉन, हम इसे प्रोटॉन कंसीडर कर रहे हैं, भाई इसमें 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल भी मान दो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कैसे नेग्लिजिबल मानोगे, समझ में आ रही है बात नहीं आ रही, ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैं इतना महत्व दे रहा हूं, सिंपल बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब आधे में सोचते प्रोटॉन की बात हो रही है, नहीं पूरे एटम की बात हो रही है भाई, समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है। तो अगर मैं इसे प्रोटॉन नहीं समझ रहा तो मैं क्या समझूंगा इसे पॉजिटिव एटम, एक्चुअल में पॉजिटिव एटम ही है, जो प्रोटॉन हम कंसीडर करते हैं गलत है, चार्ज उसके बराबर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करा है भाई। अगर मैं कहता हूं एक की टीम है, दो टीम के बीच में फुटबॉल मैच हुआ, एक टीम 4 गोल से जीती, दूसरी टीम का साथ क्या हुआ, 4 गोल से हारी, नहीं नहीं वो 5 गोल से हार गई, वो 4 से जीती बट वो 5 से हार गई,
ऐसा होता है कभी? नो सर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ने -1.6 लेके निकला, तो उस वक्त वो क्या हुआ? पॉजिटिव, सेम चार्ज। अब इत्तेफाक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेट चार्ज बराबर होता है, बराबर होता है। तो हम बोल देते भाई प्रोटॉन है। नहीं भाई, समझो ये चीज को, प्रोटॉन नहीं। सब आया ये चीज समझ में? अब क्यों इसमें इतना महत्व दे रहा हूं? क्योंकि प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन के मास के बराबर है, बट इसमें कितने प्रोटॉन है? 10, और 10 न्यूट्रॉन है। तो क्या प्रोटॉन भारी होगा या एटम भारी होगा? सर एटम, एटम भारी होगा। तो जब आप फोर्स लगाओगे दोनों पे बराबर, तो प्रोटॉन, तो क्योंकि ये तो प्रोटॉन भी है, 10 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन भी नहीं, 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी है, जिसका वेट ना के बराबर है, तो भाई वेट वो भी है। इस पे भी आपने उतनी फोर्स लगाई, एक छुटके से इलेक्ट्रॉन पे भी आपने उतनी फोर्स लगाई, कौन ज्यादा तेज निकल के भागे? इलेक्ट्रॉन। भाई ये तो कहेगा मैं तो हेवी नहीं रहा। आपका वेट, इसका वेट ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कितना है? बिल्कुल ना के बराबर, इतने तो है ही नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? इसमें ये इलेक्ट्रॉन में वेट कितना होता है? ना करा 2.1 × 10⁻³⁻¹ kg -31। भाई सोचो कितना कम है। और ये प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन हैवी होता है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन, इतना हैवी नहीं होता कि वेट उठा लूंगा उसका, बट इसके कंपैरेटिवली हैवी है। न्यूट्रॉन भी है जो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर है, और एक इलेक्ट्रॉन निकला ना यहाँ, तो अभी तो 9 और बाकी है भाई इसमें, तो ये तो काफी हैवी हुआ कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन के। अब आप दोनों को एक ही फोर्स दे रहे हो, तो कौन मूव होगा? इलेक्ट्रॉन। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से इस बात को सुनो। आप फूंक मार रहे हो एक पंख पे, जो यहाँ रखते हैं ना, आग से पंखा में निकलते हैं और कहते हैं वो उष्मा, आपने वो फूंक मारी, उड़ जाता है वो? यस सर। पक्का उड़ जाता है? यस सर। बस आज उस जगह हम अपने पहलवान को बैठाएंगे तुम्हारे हाथ पे, फूंक मारो, हम चेक करना चाहते हैं वो उड़ेगा नहीं उड़ेगा। ग्रेट क्वेश्चन, हाथ बचेगा। सो यही चीज यहाँ पे भी तो हो रही है भाई, आप फोर्स एक ही दे रहे हो प्रोटॉन पे भी, पूरे एटम पे भी और इलेक्ट्रॉन पे भी, और आप क्या सोच रहे हो भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये भी मूव करना चाहिए, चार तो दोनों पे सेम है। नहीं, इसके मास की वजह से वो फोर्स मिनिमाइज हो गया। अभी बताता हूँ क्यों। फोर्स का फॉर्मूला होता है, आगे चल के आपको ऐसी क्लास में पढ़ोगे, Q into E। क्यू क्या है? चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक। अब एक चीज को समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चीज हमने डाल दी। हेलो भाई, अब सही है? ये कौन है भैया? बोल दे, वो आते रहेंगे। हो गए। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दोनों जाने, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही है, ठीक है? चार्ज दोनों पे सेम है, एक पे प्लस एक पे माइनस, चार्ज भी सेम, मतलब फोर्स तो चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करो या पॉजिटिव एटम की बात करो सेम होगी। इतनी बुद्धि चल गई? पक्का? देखो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। चार्ज दोनों पे बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन पे और पॉजिटिव एटम पे भी। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो दोनों के लिए सेम दे रहे हो, तो वो भी बराबर है, यानी फोर्स बराबर है, ठीक है? अब सुनो, फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हो तो क्या चेंज आता है? अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा था तुम क्या हो गए, मूव करेगी सर बॉडी, फिर तुम में और एक हिस्से वाले में क्या कर गया भाई? गुड, एक्सीलरेशन होता है। व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी मासली बॉडी देन देयर विल बी एक्सीलरेशन। अब मुझे बताओ, मास अगर ज्यादा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम होगा। अब इसका मास इसके कंपैरेटिवली तो बहुत ज्यादा है, तो इसका एक्सीलरेशन तो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा कंपैरेटिवली इसके मुकाबले। ये तो गोली चोट भागेगा, समझ में आ रही है? और ये हिल रहा है, वो किसी ने उसको हिलते देखा? कौन सा होता है वो यार, कहते हैं स्नेल, कहते हैं क्या कहते हैं, जो बहुत ही आहा ऐसे ऐसे मूव करती है, वैसी बहुत, ठीक है? मतलब क्या जैसे स्नेल ना, हाँ वही सही बोल रहा था मतलब। तो फिर क्या दिखती? जैसे घड़ी की सुई आवर वाली,
मैं बहुत देर बैठा था, मैंने देखूं आंसू से हिलते हैं बट पता ही नहीं चलती कब हिल जाती है, कब वो आगे आ जाती है, क्योंकि हम उसके फ्रेम में नहीं होते. ओके फाइन, इतनी बात सबको समझ में, चार्ज सबको समझना है. अब अगर चार्ज रुका हुआ है, चार्ज क्या है? रुका हुआ है, चार्ज मूव नहीं कर रहा, उसे स्टेडी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है? मतलब चार्ज रुका हुआ है तो अपने चारों तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों कहते हैं? हमें पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर. मतलब अगर ये पॉजिटिव है और इसके कहीं फ्रेम में दूसरा पॉजिटिव आया तो कहेगा भग जाए यहाँ से, भग जाए, निकल जाए जल्दी, ये मेरा इलाका है, निकल यहाँ से. और अगर कोई दूसरा आया तो कहेगा आ जा, अपोजिट चार्ज कहेगा तो आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जाए, ऐसा गाना चलेगा, ठीक है? सो अगर सेम चार्ज है तो उसे क्या बोलेगा? निकलो. और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट. ये क्यों, कौन कर रहा है? ये तो इनविजिबल फोर्स है, दिखी नहीं थी. तो हम मानते हैं चार्ज के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड. और मजेदार बात क्या है कि चार्ज के अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे रेज बाहर की तरफ निकल रही होंगी. मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे रेज बाहर की तरफ निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैदा कर रहा होगा. और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर रहा होगा. अब ये कहां से आ रही है ये किसी को नहीं पता. पॉजिटिव चार्ज पे कहां से निकली? वो खुद पैदा करता है. मतलब वो उसका नेचर क्या है कि दूसरे पॉजिटिव को दूर भेजना और नेगेटिव को अट्रैक्ट करना. अब किसने डिसाइड करा? क्योंकि हमने जो टेस्ट चार्ज लिया है, टेस्ट चार्ज, वो हमने पॉजिटिव लिया. हमने कैसा लिया था? पॉजिटिव. अब बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना, ये आपके सोर्स चार्ज थे. आपने टेस्ट चार्ज को लहराते लहराते के बगल में लाए, ये क्या था? पॉजिटिव. आप क्या लाए? टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव. तो ये क्या करेगा? बढ़ जाए यहाँ से. तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है भाई, इसकी दूर बगाड़िए. हमने बाहर निकाल दी, नेगेटिव के बगल में लाए हिलाते हुए, उन्होंने तो खुद ही अट्रैक्ट कर लिया. हमने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अट्रैक्ट करती है जिसके अंदर आएगी. समझ में आया भाई? क्यों कह सकते हो पॉजिटिव से जा रही है? क्योंकि टेस्ट चार्ज ने डिसाइड करा दिया. अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? 1 कूलम ऑफ चार्ज. हर चीज जब यहाँ टेस्ट होती है, जिससे वो उसके मैग्नीट्यूड में फर्क ना लाए, तो उसे क्या लेते हैं? 1 कूलम. क्या लेते हैं? 1 कूलम. 1 कूलम भी क्या? प्लस का 1 कूलम, माइनस का 1 कूलम नहीं, प्लस का 1. तो ये रीजन समझ में आया? अच्छा, तो जब चार्ज रुका हुआ है तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब मजेदार बात सुनने वाली है. चार्ज मूव करने लगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग गया. मतलब अब सुनो ध्यान से, चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. अब ये समझ में नहीं आई सर, अभी तक तो आप चार्ज देखो, इन दो स्टडीज को कभी मर्ज मत करना. सीने क्लास में होगी, जब होगी जब हम देख लें, अभी मत करो. जब आप एक चार्ज को स्टैटिक सोच रहे हो तो आप स्टैटिक इमेजिन करो. जब चार्ज मूव करने लगता है तो एक एरिया क्रॉस सेक्शन से निकलेगा चार्ज. मतलब एक वायर है, उसमें एरिया क्रॉस सेक्शन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन और ऐसे मूव हो रहे हैं. समझो एक मेट्रो स्टेशन है, उसमें से मेट्रो मूव कर रही है एंड मेट्रो आज का चार्ज. तो कितनी मेट्रो मूव कर गई? दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दैट प्रोड्यूस करंट. करंट की डेफिनेशन होती है I equals to Q by T. क्या होती है? I equals to Q by T. Q क्या होता है? चार्ज. तो हम करंट को क्या डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. कितना चार्ज फ्लो कर गया एक इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब सुन लो, ये चीज जस्टिफाई करो. यहाँ पे अब मैंने दोनों में फोर्स लगाई थी, कौन मूव कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव मूव नहीं करता, करता है तो बहुत नाकेवरा मूव करता है, बट उसे हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है? तो मूव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन. बट कन्वेंशनली हम क्या बोलते हैं, हर चीज कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम टॉप हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट, कोई भी चीज देख लो. तो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो जरूर करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो हमने बोला यार ये तो उल्टा हो जाएगा, सारे कन्वेंशनल लॉ को फेल कर देगा ये तो. अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हमने बोला ठीक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, फाइन एग्रीड. बट हम किसको फ्लो कराएंगे फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट? और क्या बोला गया कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का क्या होगा? अपोजिट. तो देखो तीन स्टडी है. सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज रुका हुआ है, इस इलेक्ट्रिसिटी को, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी.
चार्ज मूव कर रहा है, देन इट प्रोड्यूस करंट. क्या प्रोड्यूस कर रहा है? करंट. और आप कहां बैठे हो? चार्ज के ऊपर. मतलब असली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आप चार्ज हो. हाँ, तो अब आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. और जब आप बाहर आ जाते हो, स्पेस में आ जाते हो, जब देखते हो कि भाई इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही थी, अब उसे मर्ज कर दो. मूवमेंट के साथ जब वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हो रही है, उसी को हम नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड. अब सुनो ध्यान से, जब तक चार्ज रुका हुआ, उसे क्या बोला था हमने? स्टैटिक. और स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा था. चार्ज मूव करने लगा तो चार्ज के मूवमेंट के नेचर को हमने बोला करंट. उस मूवमेंट से उसके जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मतलब जब चार्ज मूव करता है, देखो सुनो दोबारा से, चार्ज जब रुका हुआ है उस क्या बोलते हैं? स्टैटिक. कोई डाउट तो नहीं है? अब चार्ज मूव कर रहा है तो उससे होने वाला उसका नेचर को हम बोलते हैं करंट, ठीक है. चार्ज मूव कर रहा है उससे उसके एनवायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट. बाउंसर लग गया, कुछ ज्यादा डीप पहुंच गया. अब सुनो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब चार्ज रुका हुआ. यस सर. अब बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो बड़ी क्लास में. छोटी क्लास में कहते हैं रब करके जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, देखो बैलून चिपक रहा है, ये बाल से पेपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, बड़ा मजा आता है बचपन में ये करते करते. बड़ी क्लास में सोचते हैं यार प्लास्टिक कैसे इलेक्ट्रॉन को कंसीव ले रहा है. सबके मन में आता है प्लास्टिक, जिसे अब तक हम क्या पढ़ते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. आई एम रियली सॉरी, ये कॉन्सेप्ट नहीं है. इट डज नॉट अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, बट इट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू कम ओवर इट. आर यू गेटिंग दिस? वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं दे रहा है, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. बट चार्ज उसके ऊपर तो है ही ना भाई, बना तो वो एटम से ही है ना. कोई चीज है जो बिना एटम के बनी है? तुम्हारे सेल्स, तुम्हारी बॉडी में जो सेल्स हैं, वो भी एटम से बने. समझ में आ रहा है? मैंने जो साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म पढ़ते हो ना, दैट इज ऑल्सो फॉर्म विद हेल्प ऑफ एटम्स. उसके अंदर भी एटम्स ही हैं. सो अब ध्यान से चीज को समझो कि वो जो एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है. मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ज रख दिया तो रख दो ना भाई, वो प्लास्टिक है, वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा. चार्ज को क्या करेगा? जहां रख दिया वहीं रखे रहेगा. समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? दुबई में बोलते हैं कि वहां का रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है. दुबई या सदन, मुझे याद है. तो जो भी है, मेरे को मेरे एक अंकल ने बताया था, उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ व्हेन ही वाज फर्स्ट वीक में. उन्होंने अब एक पर्स मिला उन्हें रोड के किनारे बैठा हुआ, मतलब एक सिटिंग थी उसमें पर्स रखा हुआ था. सो ही टुक द पर्स एंड गो टू द पुलिस स्टेशन की सर ये पर्स मुझे वहां से मिला है एंड ये देख लीजिए किसका है, आप लौटा दीजिए. सो उन्होंने बोला कि ओके आप नए हैं? उन्होंने कहा हाँ. कह रहे जहां से आपने पर्स उठाया आप वहीं रख दो. वो बड़े हैरान, कहे क्या जब होता तो दो मिनट छोड़ के देखो आप, अपने आप पता चल जाए. तो बड़ा उन्होंने रख दिया. फिर उन्हें पता चला कि अगर गलती से पकड़ा गया ये बंदा जिसने भी पर्स चुराया, उसके हाथ काट देंगे वहीं. तो अब यही चीज इमेजिन करो प्लास्टिक के साथ है, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं कर रहा. प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक ने प्लास्टिक का कोई इलेक्ट्रॉन कह रहा है, वो मैं ना मुझे इलेक्ट्रॉन लेने ना मैं इलेक्ट्रॉन देने. तुमने दे दिया, रख दिया चार्ज, रख दो और जाओ. तुम वापस आके देखोगे मेरा चार्ज यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर वो नेचर नहीं है कि मैं इसको फ्लो कराऊं, ठीक है. तो चार्ज उसके ऊपर रखा है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं. दैट्स कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक जब चार्ज रुका हुआ है और किसी बॉडी के ऊपर, बट जब चार्ज फ्लो होता है उससे क्या रिएक्शन होता है या उससे क्या पैदा होता है, दैट इज नोन एज स्टैटिक और दैट इज नोन एज करंट. जब चार्ज फ्लो करता है तो उससे क्या चीज पैदा होती है? करंट. क्या चीज पैदा होती है? करंट. चार्ज रुका हुआ है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब ध्यान सुनो, चार्ज फ्लो हो गया, करंट कहां पैदा हुआ? वायर में. कहां पैदा हुआ? वायर. जब चार्ज रुका हुआ था उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी. चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब. हम पढ़ते नहीं है उसे, बस क्या वो चली गई? हम पढ़ नहीं रहे तो एग्जिस्टेंस से बाहर. वाह, फ्रिक्शन नहीं पढ़ते, फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस से बाहर.
नहीं, फ्रिक्शन है स्टिल देयर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल देयर। उसका इफेक्ट जब हम बाहर से देखते हैं, यानी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वायर के बाहर जब बैठे हैं तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था ऑर्स्टेड, ही वाज अ प्रोनाउंस्ड ऑर्स्टेड साइंटिस्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करा था कि जब एक वायर में करंट फ्लो करता है तो चारों तरफ क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा होती है, ध्यान से सुनो, तीन स्टेट है बस। इतनी सारी जो मैंने प्लॉटिंग करी थी वो सिर्फ इसलिए था कि कुछ तीन चीजें तुम्हारे मन में बैठ जाए। अगर चार्ज झुका हुआ है, that is known as static electricity. चार्ज मूव कर रहा है, that is known as current, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाटएवर यू कॉल इट। चार्ज मूव कर रहा है जिसकी वजह से वायर में करंट है, उसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई, ये तीन चीजें समझ में आ गई, यही तीन चीजें आप पढ़ने वाले हो और क्लास 12th में ये फट जानी है ऐसे। मतलब एक टॉपिक पे चार चार चैप्टर मान लो कम से कम, ठीक है। सो अभी जो तुम्हारी बुक में है, दैट इज फर्स्ट थिंग इज करंट, यही है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखा हुआ है जरा डेफिनेशन कोई भी पढ़ दो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे, मतलब मान लो एक वायर है ये और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस, तो करंट कहां फ्लो करेगा, उसके अपोजिट। समझ में आई बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट क्या फ्लो करेगा, करंट। समझ में आया, इतनी बात समझो। अब ये किसकी में बात हो रही है, किसी मेटल्स की बात हो रही है, और अभी हमने बोला मेटल हैव अ वेरी गुड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए भाई। yes. तो इसका मतलब मेटल के अंदर कुछ ऐसी चीज भी हो रही होगी। एक इलेक्ट्रॉन कह रहा मैं तो जा रहा यहाँ, ठीक, ये ऊपर जा रहा है, ये कह रहा मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, ये कह रहा मैं यहाँ जाऊंगा, एक कह रहा चल तो चल मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो कह रहा मैं तो यहीं जा रहा हूँ, वो कह रहा मैं तो नीचे आऊंगा, एक कह रहा मैं तो इधर जाऊंगा। सबने अपना अपना मन बना दिया कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, मालदा जाएंगे, हम उधर जाएंगे, सबने अपना मन बना दिया सभी, तो फिर तो करंट होना चाहिए। मतलब आपने वायर में कोई पोटेंशियल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ये वायर है, वायर का एक टुकड़ा है, तो उसमें तो करंट होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इनको क्यों मूव करते हैं, किसको पता है, तो मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो उसके एटम ने लूज कर दिए, तो ये मेटल में क्या है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो किसी वायर को जब तुम छूते हो जो किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं है, करंट क्यों नहीं लगता, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उसको करंट क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। गुड, वेरी गुड, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और इस रैंडम मूवमेंट को क्या कहते हैं, किस जो वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, क्या कहलाते हैं, थर्मल। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। अब पोटेंशियल क्या है, इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब अभी फिलहाल के लिए समझो, यहाँ पे हमने बहुत बड़ा प्लस लगा दिया, यहाँ बहुत बड़ा माइनस। माइनस ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, उन्होंने कहा इस पे तो ना जाए, ये हमारी जिंदगी झुंझुन बना देगा, तो यहाँ से दूर भाग रहे हैं और यहाँ ऐश्वर्य आए हैं। Oh my God, नहीं जाना है, यहाँ हो रहा स्वयंवर, अब नहीं हो रहा, कोई नई हीरोइन का नाम लेते हैं, वो यहाँ जा रहे हैं। तो अब हुआ क्या, वो रैंडमली जो मूव कर रहे थे वो तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अब सबके पास एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। समझ रहे हो, वो जैसे मूव कर रहे थे कर रहे हैं, बट सबके पास अब किधर वेलोसिटी आ गई, इधर। अब ध्यान से इस चीज को समझो, कोई चीज ऐसे जा रही है और मैं इधर की तरफ धक्का दे दूं, तो जहां जा रही है वो जाना बंद कर देगी, वो तो वैसे जा रही है, और मैं इधर धक्का दूंगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप में से कितने जने बाइक पे वो स्किड मारते हैं या साइकिल पे स्किड मारते हैं, ऐसे हाँ, करते हो, कैसे करते हो, साइकिल ऐसे जा रही होती है, एकदम से घुमा देते, एकदम से घुमा देते, तो क्या होता है, जब आप ऐसे लेके जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी ऐसे है, और आप हैंडल को टेढ़ा करते हो तो आप क्या करते हो, इधर भी वेलोसिटी देना चाहते हो, तो दो वेलोसिटी जब मिल जाती है तो टायर कहता है कहाँ जाऊँ मैं, तो वो टायर कहता है भयंकर मैं तो बीच में जा रहा हूँ, तो क्या होता है, ना वो इधर जा रहा है ना वो इधर जा रहा है, वो क्या हो जाता है, बीच में स्किड कर जाता है,
दैट थिंग इज नोन एज ड्रिफ्ट. जब भी फास्ट एंड फ्यूरियस में पार्ट बना टोक्यो ड्रिफ्ट, गाड़ियों घुमाते हैं, स्किट करते हैं, दैट स्किट इज नोन एज ड्रिफ्ट. और वही चीज यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ. इलेक्ट्रॉन जहां आने दिल से जाने से जा रहे हैं, बट सब अब खींच रहे हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे भी जा रहा है और इधर भी होना, पहले तो ऐसे जाता सिंपल, बट अब ऐसे जाने के साथ साथ वो ऐसे हो रहा है. समझ में आ रहा है? वो इधर भी ट्रेवल कर रहा हूँ, वो मेरी तरफ भी ट्रेवल कर रहा हूँ. इस चीज को कहते हैं खिंचाव, ड्रिफ्ट. अब इसको और इस वेलोसिटी को जो अब पैदा हुई है, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें करंट पैदा होता है, अदरवाइज कोई करंट नहीं होता. समझे या नहीं समझे? इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट पैदा हुआ, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली मूव कर ही रहे थे, उससे कोई भी करंट नहीं होता. आपको क्या बोला है? जरा दोबारा से डेफिनेशन पढ़ो. क्या लिखे? द रेट ऑफ थ्रू क्रॉस सेक्शन. अगर मैं यहाँ पे छन्नी लगा दूं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कितने मूव करे उससे करंट है. पहले क्या हो रहा था? पहले जितने लेफ्ट टू राइट जा रहे थे उतने ही राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, तो नेट मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? जीरो. इसलिए कोई भी करंट नहीं बन रहा था. बट अभी क्या हो रहा है? कौर साहब इधर देख ले थोड़ा सा. तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती घसीट घसीट के ले जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या होगा? एक फ्लो या एक बहाव पैदा होगा. एंड इसी बहाव या इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट.